हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में। एक चैंपियनशिप मैच कन्फर्म है पर वो इतना खास नहीं है। पर गाइस, इसके अलावा रेसलमेनिया बैकलैश के पहले का जो लास्ट स्मैकडाउन है, यहाँ पर हमें एक्सट्रीम बिल्डअप देखने को मिलेगा और भी मैच अनाउंस होंगे। तो उम्मीद है कि एक अच्छा खासा स्मैकडाउन देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ होने वाला है सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से यार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि फीमेल डिवीजन से कंफर्म है और यह है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। नया देखो, सैना बैजर अपनी चैंपियनशिप डिवाइड डिफेंड करने वाली फिर से एक बार तमीना एंड नतालिया से। तो गाइस, ये इतनी बार रीमैच हो चुका है पहले भी, तो इस मैच के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और ये मैच की हमें कोई फेयर एंडिंग भी देखने को नहीं मिलेगी मेरी उम्मीद से। और ये मैच खत्म होगा नो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर काउंट आउट वगैरह। रेजिनाल्ड की हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है और ये मैच फिर से एक बार अनाउंस कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। तो फीमेल डिवीजन की बात हो गई है, एक और फीमेल डिवीजन से यहाँ पर जो रेसलमेनिया बैकलैश के लिए मैच कंफर्म है वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस बैली के बीच में। और पिछले भाई हफ्ते हमें एक तगड़ी कन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी, यहाँ पर बियांका ब्लेयर ने अटैक किया था पर भाई बैली ने काउंटर अटैक किया और बैली हमें स्टैंड टॉल करती हुई दिखाई दी थी। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फिर से दोनों आमने सामने जरूर होंगी, यहाँ पर बियांका ब्लेयर बदला लेने की कोशिश करेंगी बैली से। तो यहाँ पर भाई WWE रेसलमेनिया बैकलैश से पहले किसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है, क्या यहाँ पर बैली को डोमिनेट कर पाएंगी बियांका ब्लेयर या फिर से बैली एक बार स्टैंड टॉल रहने वाली है। और इसके बाद हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है और पिछले हफ्ते जो WWE ने मैच कंफर्म किया था भाई रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर का, वो मैच तो नहीं हुआ था, हमें रे मिस्टीरियो की जगह डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिले थे। तो पॉसिबली ये मैच हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखने को मिल सकता है और फिर से चारों सुपरस्टार एक्शन में होंगे, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड, क्योंकि इनका मैच भी कंफर्म है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और पॉसिबली हमें वहाँ पर टाइटल चेंज भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर WWE कोई हिंट दे सकती है नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। और इसके अलावा गाइस, एक मेन थिंग की बात करें जो पिछले स्मैकडाउन पर भी फैंस को शॉक करके रख दी थी, वो है भाई रोमन रेंस जे उसो और जिमी उसो का कन्फ्रंटेशन। यहाँ पर भाई जिमी उसो की वजह से ही हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस पर अटैक किया सिजारो ने और सिजारो ने अटैक किया उसोस पर भी। तो फिर से एक बार हमें रोमन रेंस जिमी उसो जे उसो का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर रोमन रेंस जिमी उसो पर भड़केंगे, पर क्या यहाँ पर भाई जिमी उसो साथ देते हैं रोमन रेंस का या फिर कोई WWE यहाँ पर नई स्टोरी लाइन लेके जाने वाली है, सिजारो की मदद करने कौन आता है, क्या यहाँ पर हमें रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेज सिजारो एंड जिमी उसो की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। यहाँ से हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है कि WWE वाले रेसलमेनिया बैकलैश या यूके रोमन रेंस और सिजारो की फ्यूड किस तरह से आगे ले जाने वाली है। और जो भी हो, हमें रोमन रेंस और सिजारो का भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर रोमन रेंस भाई बदला लेने आएंगे सिजारो से और हमें एक तगड़ा बीटअप देखने को मिल सकता है, ब्रूटल अटैक देखने को मिल सकता है रोमन रेंस का सिजारो पर। और गाइस, इसी के साथ बात करें सेथ रॉलिंस का क्या करने वाले हैं। भाई सेथ रॉलिंस तो स्मैकडाउन सेवियर बन के आए थे स्मैकडाउन ब्रांड पर उनका तो भाई प्रॉपर्टी बना दिया WWE ने और हमें उनकी कोई तगड़ी शोलाइन देखने को नहीं मिली। पर गाइस, अब क्या रोमन रेंस के अगेंस्ट होने वाले हैं सेथ रॉलिंस या फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से हाथ मिला लेंगे, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस भी हील हैं रोमन रेंस भी हील हैं। तो हमें एक यहाँ पर फिर से कोलैब देखने को मिल सकता है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का। तो आखिरकार क्या सोचा है WWE ने सेथ रॉलिंस के बारे में, नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रेसलमेनिया बैकलैश के लिए एक दो मैच और अनाउंस हो सकते हैं स्मैकडाउन ब्रांड से। पर गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, जिमी उसे रोमन रेंस का साथ देंगे या नहीं। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ख्याल रखें अपना।